पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे बीजेपी के लिए खासे निराशाजनक रहे। मंडल की 6 सीटों में से एक सीट भी बमुश्किल बीजेपी नहीं बचा पाई। प्रदेश में भगवाधारी सत्ता होने के बावजूद भाजपा मुरादाबाद में औंधे मुगिल पड़ी। वर्तमान सांसद सर्वेश सिंह को टिकट देना बीजेपी को महंगा साबित हुआ। अभी कुछ भी हो सकता है, अभी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, सब कुछ संभव है। लेकिन शुरू से ही जो विपक्ष है, जो गठबंधन का प्रत्याशी है, लगातार वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहें कि कहीं ना कहीं कमी रही जो हर वोट पर उन्होंने अपनी बढ़त बनाई? नहीं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही कहीं से कहीं तक भी जी। लेकिन हर बूथ पर उन्हें वोट मिलना सीधे तौर पर कहें उनकी कामयाबी है? नहीं, हर बूथ पे वोट तो हमें भी मिला है। हम जिन बूथों पर थे हमने देखा कि उसमें सब जगह वोट मिला। सीधी सीधी बात करें, लगातार लीड देते आए जो गठबंधन के प्रत्याशी, लीड नहीं उतरी। ये तो चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन ने कुंवर सर्वेश सिंह को लगभग 96,000 वोटों से हरा दिया। 23 मई की तारीख का पूरे वोटरों को इंतजार था। जैसे ही सुबह हुई, मतगणना स्थल पर खासी भीड़ देखने को मिली। सुबह 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू हुई तो गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन बढ़त बनाते चले गए। हाल ये हुआ कि 34 राउंड तक ये बढ़त नीचे नहीं हो पाई और नतीजा वही हुआ जो रुझान से लोग समझने लगे थे। गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा प्रत्याशी को लगभग 96,000 वोटों से पटखनी दे दी और अपना संसद तक पहुंचने का रास्ता भी पार कर लिया। देखिए, सबसे बड़ा श्रेय तो मैं उस परवरदिगार को दूंगा जो हमारा और आपका पालनहार है, उसके कर्म से जीत मिली। उसके बाद हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी, जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर विकास के काम करे थे, वो कीर्तिमान स्थापित करे थे जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुए, उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। और साथ साथ मैं अपने दलित भाइयों को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी इन फासिस्ट ताकतों को हटाने के लिए हमारी भरपूर मदद करी है और कोशिश ये की है कि हिंदुस्तान को और ख़ासतौर से मुरादाबाद को इन तमाम नफरतों के सौदागरों से मुक्त कर दिया जाए। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में क्या खास रणनीति थी? इस बार आप जीते हैं, पिछली बार आप दूसरे नंबर पर थे, क्या आपने रणनीति? देखिए, पिछली बार जनता धोखे में आ गई थी, जुमलों में आ गई थी, झूठे वायदों में आ गई थी। इस बार जनता के सामने पूरा रिजल्ट सामने था। 5 साल में जो वायदे हुए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए, जुमले ही जुमले कह के सब खत्म कर दिया गया। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद मंडल की 6 सीटों में से एक सीट भी भाजपा के खाते में नहीं आई। हाल पूरे मंडल पर ही बुरा था। रामपुर, अमरोहा, नगीना, संभल, मुरादाबाद तक कमल वापस चला गया। जब सुबह रुझान कई जगहों पर बीजेपी के पक्ष में आ रहे थे तो सब ने सोचा कि मोदी लहर फिर चल पड़ी और मुरादाबाद मंडल भी भाजपा में हो जाएगा। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो हौसला भाजपाइयों का टूटता चला गया। शाम होते होते ही सर्वेश सिंह भी औंधे मुगिर पड़े। भले ही मंडल में भाजपा के मंत्री हों, विधायक हों, मेयर हों, सब ताक पर रखे रहे, सबकी ताकत मंडल पर किसी तरह की दिखाई भी नहीं दी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि मंडल में हार के जिम्मेदार वो लोग हैं जो विभीषण साबित हुए हैं। असली बात तो तब पता चलेगी जब कोई गहनता से सभी बिंदुओं पर जांच करेगा। तो फाइनल रिजल्ट आने में अभी भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि 1 लाख कुछ वोटों से वो जो गठबंधन प्रत्याशी, हाँ, जो फिगर है वो फिगर आने में, एग्जैक्ट फिगर आने में जो भी है टाइम लगेगा, लेकिन जो भी है वो फाइनल है। जनता का जो आदेश है वही सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता का आदेश सर्वोपरि होता है भाई, तो वही सही है। संसद जी के हाँ जी सांसद जी भी आज यहाँ से नाराज रहे मतगणना के दौरान, जो सांसद जी नहीं, सांसद जी कभी, सांसद जी 2014 में जब जीते तब भी वो लास्ट में आते हैं, उनका एक तरीका है, वो लास्ट में आते हैं, तो कुछ नहीं, वो हैं अपने निवास पे हैं, अपने उसमें आप लोग कोई भी जाके मिल भी सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है।
वो आते ही नहीं है, वो पहले भी नहीं आया अगर आपको कोई उस वक्त रहा हो तो। किस तरह से देखते हैं, क्या कारण रहे? कारण तो बहुत अभी एकदम से तुरंत तो कोई भी कमेंट करना नहीं है, इसका देखा जाएगा कि क्या क्या कारण है। लेकिन गठबंधन दो विपक्षी दल आपस में उन्होंने जो भी गठबंधन किया और चोरी का गठबंधन था, ये दो चोर मिलके एक गठबंधन कर रहे हैं तो उसका ही फर्क पड़ा है पूरे पश्चिम। कामयाब हो गए हैं कह सकते? हाँ बिल्कुल, उनके हिसाब से तो कामयाब ही हो गए हैं। भले ही देश में मोदी लहर सब तरफ हो पर मुरादाबाद में भाजपाई अपनी लाज नहीं बचा पाए। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सर्वेश सिंह की ये हार उनके करियर को कहीं समाप्त न कर दे। एक बात गौरतलब है कि पूरे मंडल में भाजपाई दबदबा चुनाव तक वो समझ आ रहा था, पर जैसे ही नतीजे मंडल पर आए तो सारे मंडल के मंत्री नेता और सभी भीगी बिल्ली बन गए। दरअसल मुरादाबाद में सर्वेश सिंह की हार का सबसे बड़ा कारण लोग उनका जनसंपर्क में कमी होना मानते हैं। बाकी का काम उन लोगों ने किया जो केवल सर्वेश को हौसला तो देते रहे पर काम कुछ नहीं किया। भले ही भाजपा ने इन सब प्रत्याशियों पर दाव खेला हो पर मुरादाबाद और आसपास के जनपदों के प्रत्याशियों ने पूरी करनी पर कालिख पोत दी। पूरे देश में जहां इस जश्न का माहौल है पर मुरादाबाद के भाजपाइयों ने अपनी असली छवि को सबके सामने ला दिया। काम के मामले में जवाब देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था तो इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट किया, और जाहिर है जब हम सब राष्ट्रवादी हैं तो जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो अच्छा लगता है। मुरादाबाद के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे लोगों ने पहले भी एक ऐसे कैंडिडेट को झेला था जो बाहरी था, हजारों किलोमीटर से आया था और वो यहाँ के जनता के दुख दर्द में कभी शरीक नहीं हो पाए, तो वो जो तजर्बा यहाँ के लोगों को था उस तजर्बे ने दूसरा हमारा ये एक दूसरा कैंडिडेट जब आया तो लोगों ने इस कैंडिडेट को इसी वजह से नकार दिया कि हम बाहरी लोगों को पसंद नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे हर दुख दर्द में काम आए और हमारे बीच का।